नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। आधुनिक युग में होम्योपैथी दवाएं गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कहा तो यहां तक जाता है कि असाध्य से असाध्य बीमारियों में इसका कोई जवाब नहीं है। आपको बताते चलें कि आज ही के दिन जर्मनी में साल 1755 में पैदा हुए थे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर महात्मा सैमुअल हैनीमैन। वो अपने समय के दुनिया के सबसे अच्छे एलोपैथ चिकित्सक थे, लेकिन उन्हें कुछ कारणों के चलते एलोपैथ चिकित्सा को त्याग कर होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। आपको बताते चलें कि होम्योपैथ की दवाई आज भी बहुत सस्ते में लोगों तक पहुंच जाती है और यह किसी भी रोग को ठीक करने में बहुत असरदार मानी जाती है। वैसे इस समय कोरोना वायरस से पूरी दुनिया करहा रही है, भारत में भी यह वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं इस बाबत मऊ के होम्योपैथ डॉक्टर सुभाष राय ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए होम्योपैथी में बेहतर दवाएं हैं। अगर व्यक्ति में इम्यूनिटी यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 को सर्वप्रथम दिया जा सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर सुभाष ने यह भी कहा कि अगर यह दवा भी कोरोना पर बेअसर साबित होती है तो साइकोलैक्टिक एसिड तथा 5-फॉस दवाएं इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। फिलहाल दुनिया इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रही है और अगर ऐसे में होम्योपैथ के जरिए अगर इस बीमारी का तोड़ निकल सके तो उसे ज़रूर आजमाना चाहिए। यूं भी होम्योपैथ के बारे में यह बात बहुत मशहूर है कि दवा थोड़ी देर से असर करती है लेकिन मर्ज को जड़ से ख़त्म कर देती है। धन्यवाद।